ஒரு தப்பு செஞ்சா அதுக்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாதுன்ற பயம் வரணும். तो भाई लोग इंडियन 2 मूवी का ट्रेलर आ गया है. इंडियन 2 बोलिए या हिंदुस्तानी 2, जो कि तमिल लैंग्वेज में है लेकिन बहुत ही दमदार होने वाला है. तो चलते हैं हम लोग इसका रिएक्शन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे. 3 2 1 लेट्स स्टार्ट. ஊராடா இது படிப்புக்கேத்த வேலை இல்ல, வேலைக்கேத்த சம்பளம் இல்ல, கட்டற டாக்ஸ்க்கு தகுந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைக்கிறது இல்ல. திருடுறவன் திருடிட்டு தான் இருக்க போறான், தப்பு செய்யறவன் தப்பு செஞ்சுட்டு தான் இருப்பான். நம்மள ஆளாளுக்கு ஊரை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். சிஸ்டம் சரியில்லை, சரி பண்ணணும்னு வாய்க்கவே பேசுவோம். ஆனா அது சரி செய்யறதுக்கு ஒரு துரும்ப கூட கிள்ளி போடுறது இல்ல. சிஸ்டமே சரி நல்லா கத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இவங்க எல்லாரையும் கடிச்சு குதிர ஒரு ஹண்டிங் டாக் வரணும். इरिंदर में कुछ कैसीनो का भी सीन दिखा रहा है ना. इंडियन नेम सेनापति बम फ्रीडम फाइटर इंडिया इन्ने कर्म सारे थे कर्म मिला वर्म कुवान. वाओ திரும்பி வரணும். கமல் ஹசன் ஒரு தப்பு செஞ்சா அதுக்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாதுன்ற பயம் வரணும். என் கேரியர்ல நான் முடிக்காம போன ஒரே ஒரு கேஸ் சேனாபதி. பேசாம இவனை ஆன்டி இந்தியன் அறிவிச்சிடலாமா? சின்ன வயசுல நேர்மை தவிர போய் சொல்லாத திருடாதன்னு நீங்க தானே சொல்லி தந்தீங்க. வளர்ந்த அப்புறம் இதெல்லாம் செஞ்சாதான் வாழ முடியும்னு சொல்றீங்க? இது இரண்டாவது சுதந்திர போர். காந்தி வழியில நீங்க அநிருத் கா மியூசிக் ஹை இஸ்மே भाई. एक्शन 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 से भरपूर ये मूवी होने वाला है. इंडियन 2 इंडियन 2 बहुत ही अच्छा लगा, चाहे वो हिंदी में हो, तमिल में हो या कोई अन्य लैंग्वेज में. लेकिन भाई जो फिल्म में ओरिजिनल फिल्म में जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा. इंडियन 2 के 1 मिनट 58 सेकेंड या कुछ का था ये ट्रेलर. और इसमें कमल हसन फोन कर कहते हैं कि जहां पर अन्याय होगा वहां पर मैं ज़रूर आऊंगा. इस मूवी में कमल हसन अपने ओरिजिनल चेहरे में दिखाई नहीं देते हैं और लास्ट में उनको कुछ टोबंजरी भी बोलते हैं. उनका एक अलग ही फेस क्रिएट किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्ट 1 में देखा गया था. एक बार फैंस उन्हें पहचानने में गच्चा खाए जाएंगे, लेकिन जब आवाज़ सुनेंगे तो यकीन हो जाएगा कि वे वही हैं. ट्रेलर और मूवी की रिलीज डेट आने की जानकारी तो अभी नहीं हुई थी, लेकिन टीजर देखकर ये पता चलता है कि इस फिल्म में देश में बड़े घुसखोरी को दिखाया जाएगा. जो बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं वो टेबल के नीचे से जो रुपया लेकर काम करते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति को इसमें दिखाया जाएगा. इस फिल्म में टोटल घुसखोरी के बारे में उजागर किया जाएगा. कैसे हर सरकारी नौकरी बिना ऊपर के कमाई के आम जनता का काम नहीं कर सकता है, ऐसे में गरीब तबका के लोग परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं. पढ़ाई से लेकर नौकरी और शादी तक में खुले आम पैसा की मांग किया जाता है. चाहे कुछ भी काम हो, एक छोटा सा भी काम हो, एक एप्लीकेशन अगर बड़े ऑफिसर के पास पहुंचाया जाए तो भी
उसके लिए घूस देना पड़ता है, चाहे वो चपरासी से लेकर बड़े ऑफिसर हो सभी। क्या इसमें इस ट्रेलर और इस मूवी जो हो रहा है, ये मूवी जो आने वाला है, टोटल चीज इसमें दिखाया जाएगा। तो भाई लोग कैसा लगा ये रिएक्शन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किन किन व्यक्तियों को इस मूवी का इंतज़ार है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।